गिनती की पुस्तक अध्याय 17, गिनती की पुस्तक अध्याय 17, याजकों और लेवियों की मर्यादा और कर्तव्य कर्म। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घरानों के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले और उन 12 छड़ियों में से एक एक पर एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख, क्योंकि इस्राएलियों के पूर्वजों के घरानों के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी होंगी और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू के साक्षी पत्र के आगे जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं रख दे, और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेंगी और इस्राएली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं वह बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। सो मूसा ने इस्राएलियों से यह बात कही और उनके सब प्रधानों ने अपने अपने लिए अपने अपने पूर्वजों के घरानों के अनुसार एक एक छड़ी उसे दी। सो 12 छड़ियां हुई और उनकी छड़ियों में हारून की भी छड़ी थी। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पके बादाम भी लगे। सो मूसा उन सब छड़ियों को यहोवा के सामने से निकालकर सब इस्राएलियों के पास ले गया और उन्होंने अपनी अपनी छड़ी पहचान कर ले ली। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून की छड़ी को साक्षी पत्र के सामने फिर धर दे कि यह उन दंगा करने वालों के लिए एक निशाना बनकर रह जाए कि तू उनका बुड़बुड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता रहता है भविष्य में रोक रखे, ऐसा न हो कि वे मर जाए। और मूसा ने यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार ही किया। तब इस्राएली मूसा से कहने लगे, देख हमारे प्राण निकलना चाहते हैं, हम नष्ट हुए, हम सब के सब नष्ट हुए जाते हैं, जो कोई यहोवा के निवास के समीप जाता है वह मर जाता है, तो क्या हम सब के सब मर ही जाएंगे।